तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी की जो अपने प्यार के चक्कर में 3 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। अब आगे इस मूवी में क्या क्या होगा ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। इस फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को सड़क पर देखते हैं जो कि खून से सना हुआ था। उसे देखकर समझ आता है कि उसने अभी किसी को जान से मार दिया है। और फिर यहाँ से सीन पास्ट में चले जाती है जहाँ हम उसी आदमी को बीच के पास रैंडम लोगों की तस्वीर लेते हुए देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम निक है और ये एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर है। आज उसकी एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट है और वो उसी का वेट कर रहा होता है कि तभी उसे एक ब्लॉन्ड गर्ल दिखाई देती है और वो उसकी तस्वीर खींचने लगता है। थोड़ी देर में वो लड़की निक को ऐसा करते हुए नोटिस कर लेती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। यहाँ निक को पता चलता है कि इस लड़की का नाम टेसा है, जो कि वही लड़की होती है जिसके साथ निक ब्लाइंड डेट पर आया होता है। यहाँ निक फिर से बातें करते हुए उसकी फोटोज दिखाता है और फिर दोनों यहाँ चलते चलते बातें करने लगते हैं, जहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनकी पहली मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। तभी निक अपने घर तक पहुँच जाता है और यहाँ वो टेसा को अपने रूम पर चलने को कहता है, लेकिन टेसा मना कर देती है और वो अपने घर चली जाती है। इधर निक भी अपने काम पर लग जाता है जहाँ वो कुछ लोगों की फोटोज क्लिक करके अपना गुजारा करता है। तभी निक की एक फ्रेंड उसके पास आती है जहाँ वो निक को एक मैगजीन के शूट का ऑफर देती है जो उन्हें काफ़ी अच्छा पे कर सकती थी। लेकिन यहाँ निक उससे कहता है कि वो किसी ऐसी वैसी मैगजीन के लिए शूट नहीं करने वाला। कुछ दिनों बाद अचानक से टेसा उसके घर आती है और उसे नशीले पदार्थ का लालच देकर अपने साथ डेट पर लेकर जाती है, जहाँ से फिर कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं और दोनों साथ में पार्टी करते हैं, नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं और कई बार इंटीमेट होते हैं। यहाँ टेसा को निक की फोटोज काफी पसंद आती है और वो निक से कहती है कि तुम्हारे अंदर काफी टैलेंट है, और ये कहकर दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह निक उठकर टेसा के कुछ फोटोज क्लिक करता है और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट का इंतजाम करने के लिए बाहर चला जाता है। इसी बीच टेसा निक के लैपटॉप से उसकी क्लिक की गई फोटो अपने कुछ दोस्तों को भेज देती है, और जब वो ये सब कर रही होती है कि तभी अचानक से निक वहां आ जाता है। दरअसल निक अपना वॉलेट यही रूम में भूल गया था, लेकिन जब वो यहाँ टेसा को उसके फोटो के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखता है तब वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। ऐसा बताती है कि वो बस उसकी मदद करना चाहती थी। हो सकता है कि उसके किसी दोस्त को निक का काम पसंद आ जाए और उसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन यहाँ निक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। उल्टा वो टेसा पर चिल्लाने लगता है कि तभी टेसा के फोन में एक मैसेज आता है कि वो निक के साथ काम करने के लिए तैयार है। और जब ये मैसेज निक देखता है तब वो टेसा से माफ़ी मांगता है और बताता है कि वह गुस्से में थोड़ा इधर उधर चला जाता है। टेसा फिर मान जाती है और दोनों यहाँ हग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि निक अपने शूट में काफ़ी खुश होता है। शूट के बाद दोनों कैफे में बैठे होते हैं जहाँ निक टेसा को बताता है कि उसकी मॉम उसे बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन उसके डैड को उसका काम बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ ही वो यहाँ ये भी बताता है कि उसे टेसा का साथ बहुत पसंद है। इसके बाद दोनों क्लब में जाते हैं और तभी टेसा की नज़र वहाँ मौजूद कुछ लोगों पर पड़ती है, जिसे देखते ही टेसा सूसू कर देती है और ये देखकर निक चौंक जाता है। इसके बाद वो टेसा को अपने घर लेकर आता है और पूछता है कि आखिर उसने पार्टी में ऐसा क्या देख लिया, जिस पर टेसा बताती है कि जब वो एले में नहीं आई थी तो वो एक पार्टी में गई थी जहां उसने बहुत ड्रिंक कर लिया था और उसे कुछ भी होश नहीं था, लेकिन जब सुबह उसकी नींद खुली तब वो बिना कपड़ों की एक स्विमिंग चेयर पर बैठी हुई थी। तभी वो देखती है कि एक आदमी उसे किस कर रहा होता है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कि अचानक से 3 लोग टेसा के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके साथ गलत करते हैं, और क्लब में जिन लोगों को देखकर वो घबरा गई थी असल में वो वही 3 लोग थे। अब ये सब सुनकर निक टेसा से पूछता है कि क्या तुमने इस बारे में पुलिस को बताया था। इस पर टेसा कहती है कि हाँ, लेकिन वो लोग बहुत पावरफुल है इसलिए पुलिस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाली। यहाँ टेसा एले छोड़कर जाने के बारे में बात करती है और ये सुनकर निक उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर टेसा पूछती है कि क्या वो सच में उससे प्यार करता है। इस पर निक हाँ कहता है। ये सुनकर टेसा कहती है कि ठीक है, तो मुझे प्रूफ दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे लिए तुम उन 3 लोगों को मार डालो। ये सुनकर निक घबरा जाता है और मना कर देता है और टेसा वहाँ से चली जाती है। इधर निक भी टेसा के बिना फ्रस्ट्रेट होने लगता है और वो उसे फ़ोन करता है, लेकिन टेसा उसके कॉल का जवाब नहीं देती। निक अपने काम में बिजी हो जाता है और शूट करने लगता है। इधर निक की दोस्त को लगता है कि वो परेशान है और पूछने पर निक उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले वो एक लड़की से मिला जिससे उसे प्यार हो गया, लेकिन अब वो उसका फ़ोन नहीं उठाती और
उसे नहीं पता कि आखिर वो कहाँ गई है। इन सबसे परेशान होकर निक उन तीनों लोगों के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है जिसके बारे में टेसा ने उसे बताया था। लेकिन उनमें से एक आदमी को शक होता है कि शायद से निक उसका पीछा कर रहा है और वो निक को अपने फ्लैट के अंदर खींच लेता है। तभी थोड़ी देर बाद निक भागता हुआ बाहर आता है और हम देखते हैं कि निक ने उस आदमी को जान से मार दिया था। फिर निक बाकी बचे दो लोगों को भी फॉलो करता है और उसे भी मौका मिलते ही मारने लगता है। और जब निक लास्ट में बचे एक लड़के को मारने ही वाला था कि तभी वो लड़का निक से पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो। इस पर निक बताता है कि तुम्हें टेसा के साथ गलत नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मैंने टेसा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, असल में मैं तो उसका बॉयफ्रेंड था लेकिन उसने मुझे कुछ लोगों को मारने के लिए कहा था और जब इस बात के लिए मैंने मना किया तो टेसा ने मुझे ब्रेकअप दे दिया। अब ये सुनने के बाद भी निक को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसे भी मार देता है। लेकिन मरने से पहले उस लड़के ने निक को टेसा का पता बताया होता है जहां निक किसी तरह पहुंच जाता है। यहां पहुंचकर निक टेसा से पूछता है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। इस पर टेसा कहती है कि वो तो बस ये जानना चाहती थी कि क्या निक उससे इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए किसी की जान ले सके। अब ये जानने के बाद कि टेसा ने उसे बेवकूफ बनाया, निक शॉक्ड हो जाता है और तभी हमें दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर से हमें वहाँ फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।